गहरा समंदर सब पानी अपने अंदर। देख भाई अपने हाइटर राजपाल यादव जैसी और ये लहरें हैं अमिताभ बच्चन जैसी जो मेरे अंग पे बार बार आ रही है, ये लहर देख साली। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं दापोली, तो मेरे साथ है सोहेल अतार और प्रतीक बरगे और वैभव गोसावी। तो चलो आपको हम इसमें पूरा दापोली दिखाएंगे, वहाँ का एंजॉय क्या है वो भी दिखाएंगे और कितना हमारा इसमें खर्च होता है वो भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ है दो यूनिकॉर्न और हम हैं चार लोग, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं दापोली के एक लॉज पे। अब यहाँ हम एक स्टे करेंगे। अब हमने खाना भी नहीं खाया, अब इसके बाद हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद यहाँ पर आकर सो जाएंगे। तो अब हम आपको ये हमारा लॉज दिखाते हैं जो हमने 1200 रुपये रहने देकर लिया है। प्रतीक बरगे, सोहेल अतार, वैभव गोसावी। तो दोस्तों हम दापोली में साई रत्न होटल में खाना खाने के लिए आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा भाई हरुण तांबोली सबको खाना खिला रहा है। चिकन हंडी, सो गाइज बेहतरीन नींद के बाद हम फ्रेश भी होके अब जा रहे हैं हरनाया बंदर पर, यानी हरनाया बीच पर। और वहाँ पे एक किला है यानी फोर्ट है जिसका नाम है सुवर्णदुर्ग, वो भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं वहाँ पे कितना खर्च होता है या कितना पैसे लगते हैं वो भी बताएंगे। तो अब हम यहाँ से चले जा रहे हैं चेकआउट देकर। तो चलो सामने का एक हम आपको नज़ारा भी दिखाते हैं जो कि मेरे बैक साइड पर आपको नज़र आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यह है पीछे का जो बीच है वह हरनाई बीच है। तो यह है हरनाई बंदर और यहाँ पे कुछ कलाकार हमारे बरगे सरकार आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखो शुरू करते हैं बरगे सरकार अपनी कला। अरे ये क्या अपने हाथों पे चलने लगे बरगे सरकार, राड़ा है बरगे सरकार का। मच्छी मार्केट, ¡Gracias!
हमने हरनाई बीच को देखा, बहुत ही खूबसूरत था। अब इसके बाद हमारा कुछ वक्त बचा है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं मुरुड बीच की तरफ। तो देखते हैं वो मुरुड बीच किस तरह से है, कैसा है। चलो वीडियो को। तो दोस्तों, जो दापोली का सफर था वह हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हमने यहाँ पे हरने बंदर यारी हरने बीच और मुरुड बीच बहुत सारे बीच किए, तो हम इसको पूछ रहे हैं, इन दोनों को पूछेंगे तो इसमें कितना एंजॉय हुआ या नहीं, तो ये आगे बरगे सरकार आपको ये बताएंगे। बरगे सरकार, दोस्तों हमने बहुत एंजॉय किया दापोली, यहाँ पे बीच मुरुड बीच और मच्छी बिच्छी बहुत अच्छा था। अब हम पापलेट खाने जाएंगे, खास करके राइडिंग करने में जो मजा है, किसी सफर में ऐसे राइडिंग करने वाले नहीं है, टू व्हीलर पे बहुत मजा आया। 6 घंटे का सफर हमने ये तय किया था, तो चलो बहुत ही मजा आया इस सफर में। 4 बजे निकले थे हम टू व्हीलर पर और यहाँ पे 10-11 बजे पहुंचे थे। बीच में हमारा गाड़ी का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था और हमारा भी कुछ नाश्ता वगैरह के लिए हम रुके थे। तो चलो, इसमें बहुत सारे हमने फोटो भी काटे, हम अपना जो इंस्टा आईडी आप लिखे और एक बंदा है वो दिखाते हैं, रुको हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटो भी काटे, उसके इंस्टा आईडी हम आपके इसके यूट्यूब के अंदर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां भी जाके चेकआउट करो। तो चलो अब हम जाएंगे ये देखना पापलेट मच्छी खाने, और ये आखिरी बंदा है जो बाहर बैठा है, रुसा हुआ है, शायद किसके साथ झगड़ा हुआ है क्या पता, क्यूट से स्माइल दे रहा है। तो चलो जाते हैं, निकलते हैं हम हमारे गांव को, हम हमारे शहर को। तो चलो आप मिलते हैं, आप मिलिए नई वीडियो में नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये पापलेट के इंतजार में बैठे हुए चेहरे, अब 10 मिनट तो होंगे पापलेट आने को, लेकिन ये सुबह से कुछ खाया नहीं है यार, पापलेट के इंतजार में बैठे हैं, ये कब आती है पापलेट और टूट के पड़े। तो भाई यार पापलेट मंगाना जल्दी, गोसाई पे कितनी भूख लगी है, ये मेरे को लगता है सिर्फ प्याज और लींबू खाएगा कोई बात नहीं। बहुत यार, यहाँ का बहुत पापलेट फेमस है यार, बहुत खाने का मन कर रहा है, देख लेते हैं क्वालिटी कैसा है। ब्लू डायमंड में आ चुके हैं, ये देखिए ब्लू डायमंड, और आपका तक महंगा है, 500 रुपये, 500 रुपये पापलेट थाली, 500 रुपये। अरे कितना भी महंगा हो यार, मुझे पापलेट खाना है भाई, कुछ भी कर दे मैं पैसे का विचार नहीं करता भाई, पैसे का देखेगा तो घूमने नहीं जाना पड़ेगा, कुट्टे वीडियो का। तो ये पापलेट मच्छी दापोरी में बहुत फेमस है, इसलिए हमने यही मंगाई है।